हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आप यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो और आप लेना चाहते हो बेस्ट बुक, तो आप बाय कर सकते हो। उस कैसे बाय करना है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों की बुक्स आप सभी के लिए अभी अवेलेबल है। केमिस्ट्री और जो सॉल्व पेपर, वो जल्दी ही आपके लिए आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और बीएससी टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो काउंसलिंग डेट वगैरह और फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में। नोटिफिकेशन रिलीज किया है बोर्ड ने, कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है, कौन से स्टेट के लिए फॉर्म आए हुए हैं, क्या कॉलेज फीस रहने वाली है। यहाँ मैं बता दूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस रहेगी वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। और क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कौन सी वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करना बता दूंगा मैं। आप देखते रहना एंड तक, और अच्छा लगता है वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार ज़रूर शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं 19 जुलाई, यानी कि कल ही के दिन से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। कब तक फॉर्म चलने वाले हैं तो ध्यान रखना, 7 अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे। 7 अगस्त तक पहले आप फॉर्म भर देना। इसके लिए क्या आपको सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या फिर नीट के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सेपरेट एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें एग्जाम डेट अभी फिक्स नहीं हुए, लेकिन एग्जाम डेट जल्द ही आ जाएगी, तो इसके लिए आपको नीट नहीं देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड की डेट जब भी आएगी मैं बता दूंगा, जो भी आपका जब भी आएगा मैं बता दूंगा कि एग्जाम डेट कब होने वाली है। तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रॉपर तैयारी आपकी इस पर करवाई जाएगी। बस जल्द ही बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। बस ये बुक्स का जो स्टॉक है ख़त्म होने के बाद आपका जल्द ही बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आंसर की कब डिक्लेरेशन होगी, आंसर की आपके जब एग्ज़ाम होगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन शाम को 6 बजे आपके आंसर की डिक्लेयर हो जाएगी। उस दिन या उसके दूसरे दिन, या तो उस शाम के 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 12 बजे तक आपकी आंसर की डिक्लेयर कर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा। तो आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करना है, जैसे आंसर की आएगी वो मैं बता दूंगा आपको। रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट की, यानी कि उसके लिए आप कैसे अगेंस्ट उसमें रिप्लाई कर सकते हो, मतलब उसके रेट का लगा सकते हो, उसके लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। और दूसरी बात, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है, कितनी सीट से बीएससी नर्सिंग, कितनी पैरामेडिकल की, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। प्रोसेस वगैरह के बारे में बाद में आपको अलग से शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा काउंसलिंग वगैरह का, ठीक है, बता दूंगा कब होगा। हम बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मेनली ये निकल कर आ रही है, ये फॉर्म निकले हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर से, निकल जम्मू कश्मीर से निकले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउजर 2021 के लिए हैं, कॉमन एंट्री टेस्ट एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। कौन सी यूनिवर्सिटी, वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यानी कि जो आपका यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वहाँ के ये फॉरम निकले हुए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये फॉरम निकले हुए। अब इसके लिए क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं अपन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अप्लाई कर सकता है मस्ट फिल भी, तो इसमें ऑल कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ, जो कहाँ कहाँ के डोमिसाइल जो है, या तो यूटी के डोमिसाइल हो या जम्मू कश्मीर के, या तो जम्मू कश्मीर के हो या यूटी ऑफ लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह में से कहीं के भी डोमिसाइल होंगे वो, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए, कब तक, 31 दिसंबर 2021 तक, और उनके मिनिमम 12th में 25% होना जरूरी है, ठीक है। मेडिकली फिट होना जरूरी है, मेडिकली फिट होना थोड़ा सा सही होता है, पैरामेडिकल के लिए भी सेम है, वो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट होने चाहिए। और उनके लिए क्या ट्वेल्थ में कितनी होनी चाहिए, उनके ट्वेल्थ में सेम 40-50 होनी चाहिए, और एज आपकी 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसी के अलावा जो आपका टेक्नोलॉजी का एक ही कॉलेज है, कहाँ पे, इस्कम्स सोरवा श्रीनगर में, श्रीनगर में, इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए रहने वाला है, ठीक है, जो पैरामेडिकल का है। रिजर्वेशन आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग एससी एसटी के लिए अलग से रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखा गया, तो आप फुल नोटिफिकेशन देख सकते हो वेबसाइट पर जाकर भी। बाकी रिजर्वेशन वही रहने वाला है। हम बात करते हैं इसकी कॉलेज फीस की, तो कॉलेज फीस आप देख सकते हो, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में
गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो रहती है नील। क्या रहने वाली है? नील। यदि प्राइवेट में होता है तो आपको 75,000 रुपये पर ईयर आपकी फीस रहने वाली है। बीएससी पैरामेडिकल के लिए यदि आपका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको नील फीस देनी, कुछ भी फीस नहीं देनी। अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज में होता है पैरामेडिकल के लिए तो उसकी भी कितनी है? प्राइवेट के लिए 75,000 रुपये ही आपकी फीस रहने वाली है। बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम रहने वाला है, गवर्नमेंट के लिए नील फीस है और प्राइवेट के लिए कितनी है? 75,000 पर ईयर रहने वाली है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? फीस सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर एंड नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द BOPPE, यानी कि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इसके लिए कोई BOPPE जो बोर्ड है वहाँ का ये इसके लिए होता नहीं है। द टेंटेटिव फीस गिवन इज ओनली कन्वेंशन ऑफ द कैंडिडेट एंड ओनली इंक्रीज एंड और डिक्रीज डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट डिसीजन। ये गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको चेंज कम ज़्यादा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ये ओनली स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए बता रखी है, लेकिन इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि बोर्ड पर। चलिए आगे चलते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है? एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपकी रहने वाली है 1,000 रुपये। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको 1,000 रुपये आपको फॉर्म फीस भरनी होगी। इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मैं वेबसाइट पर आपको ले जाकर दिखाऊंगा। बाकी अगर इसमें हो गया बात कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए पास एक पासपोर्ट साइज़ फोटो होना चाहिए जिसमें आपका नाम और उसमें आपकी जिस दिन फ़ोटो क्लिक किया हो उस दिन की डेट भी होना ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बुक्स ख़रीदना चाहते हो तो आप बुक्स ख़रीद सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बुक्स मिल जाएगी। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के 60-60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 180 क्वेश्चन आपके 3 घंटे में पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। और आपका जो पेपर होने वाला है वो 60-60 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, और आपको बहुत ही ईजी तरीके से, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। तो आप बुक्स ख़रीदना चाहो तो उस बुक्स खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपके बहुत सारे मैच हो जाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में जैसे जैसे देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके लिए अवेलेबल हैं, राजस्थान के लिए हैं इसे, उसके साथ जम्मू कश्मीर वाले भी इसे परचेज कर सकते हैं जो इसके एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा आपको फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पर आ जाना है। कौन सी वेबसाइट पर आना है मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट आपके सामने है, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से चला जाता हूँ वेबसाइट पर। चलो यहाँ से नहीं जा पाएंगे, अपन एक बार वहाँ जाके देख लेते हैं। होम ब्राउजर पर आकर ये चीज़ सर्च करोगे BOPPE, यानी कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जैसे सर्च करते हो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे एक वेबसाइट नज़र आ जाएगी ये वाली, इसको करना है ओपन। इसको ओपन करने के लिए अपन को क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। अभी सर्वर मेंटेन में प्रॉब्लम चल रही है तो सर्वर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, तो एक बार खुल जाता है ठीक है, नहीं तो आप इस वेबसाइट के जरिए आराम से खोलकर इसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म जैसे साइट सही होगी तो मैं आपको वापस वीडियो बनाकर बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी सीट्स जम्मू कश्मीर में नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। आप जरूर वेट करिएगा उसका और देख लेना। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।